बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 29 में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसके लर्निंग आउटकम देख लें। एक्सरसाइज 3.3, इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम इससे पिछले लेक्चर में मैं सॉल्व करवा चुका हूं, इसका सेकेंड पार्ट है, शो डेट 2303962159=9 × determinant, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। आपको लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है, क्योंकि जो आपने राइट साइड प्रूफ कर रहा है उसमें 9 नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके सेकेंड देखें रो में, और अगर आप देखें तो सेकेंड कॉलम में दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है। तो मैंने सबसे पहले बाय टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2, यानी मैंने सेकेंड रो से 3 कॉमन लिया। आप सेकेंड कॉलम में से भी पहले कॉमन ले सकते थे, पर मैंने सेकेंड रो में से 3 कॉमन लिया। अगर 3 कॉमन ले ले तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो में, क्योंकि मैंने सेकेंड रो में से कॉमन लिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 1 बचता है, यहां पे 3 बच जाता है और यहां पर 2। नेक्स्ट है, मैं देखें By taking 3 common from C2, मैंने कहा था ना R2 में भी और R3, R2 और C2, यानी सेकंड कॉलम में भी और सेकंड रो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 सेकंड कॉलम में से भी 3 कॉमन ले लिया। जब 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 साइड पर आ जाते हैं लेफ्ट राइट साइड के, और आप देख सकते हैं कि दरमियान में 1, 1 और 5, ये इसका सेकंड कॉलम बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम में देखें 9 × 2 1 0 1 1 2 2 5 and 1, ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने किसके इक्वल प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है, इसमें शो करना है ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a + l a a a a + l a a a + l इज इक्वल टू एल स्केयर इंटू 3a + l। अब आप देखते हैं, सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं a + l a a a a + l a a a + l। तो बाय सबसे पहले देखें इसके प्रूफ में आ रहा है, अब इसकी राइट हैंड साइड में देख सकते हैं 3a + l। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड है और ये थर्ड कॉलम है, तो मैंने पहले कॉलम में बाकी दोनों कॉलम को ऐड कर लिया। मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था कि जो पहले लिखा होगा चेंज इसमें आएगा, बाकी दोनों कॉलम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट कॉलम में बाकी दोनों कॉलम ऐड किया तो 3a + l, इसमें भी इन दोनों को ऐड किया तो 3a + l, इसमें भी इन दोनों को ऐड किया तो 3a + l, बाकी सेकेंड और थर्ड कॉलम को कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, बाय टेकिंग 3a + l कॉमन ले लिया फ्रॉम C1, यानी कि फर्स्ट कॉलम में से मैंने 3a + l कॉमन ले लिया। तो जब मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बचता है 3a + l × 1 1 1, यानी फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर मैंने जब कॉमन ले लिया तो 1 1 और 1 बच जाता है, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज। नेक्स्ट टाइम में आपको नजर आ रहा होगा बाय R2 - R1, इसका मतलब है कि ये आप लोग की रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो मैंने क्या किया, दूसरी रो में से पहली रो और तीसरी रो में से भी पहली रो को क्या कर दिया, माइनस। तो आप देख सकते हैं 3a + l × 1a a, यानी पहली रो को कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 में से 1 निकाले 0, a प्लस एल में से ए निकाले l, a में से ए निकाले 0, 1 में से 1 निकाले 0, a में से ए निकाले 0, a प्लस एल में से ए निकाले तो l बच जाता है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ट्रायंगुलर टाइप की एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये इसका डायगोनल है, ये इसके मेन डायगोनल है। आप जानते हैं जितने भी ट्रायंगुलर टाइप की शेप की कहते हैं डिटर्मिनेंट्स होते हैं तो उनके पे एक प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, प्रॉपर्टीज नंबर 8 क्या है कि आप जानते हैं कि उनके डायगोनल का प्रोडक्ट ही उसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं 3a + l एज इट इज, 1 को l, l से मल्टीप्लाई किया तो आपको नेक्स्ट टाइम में नजर आ रहा होगा ये l स्क्वायर है, ना ही l क्यूब, क्योंकि ये 1 था। तो l स्क्वायर इंटू 3a + l, ये आपकी कौन सी बन जाती है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया 1 1 1, एक्स वाई जेड, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाइंग C1 / x, यानी मैंने पहले कॉलम को, क्योंकि राइट हैंड साइड प्रूफ करना है तो राइट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है स्केयर भी आ रहा है, स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम को x से, दूसरे कॉलम को y से और तीसरे कॉलम को z से। तो नजर आ रहा है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड पर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये देखें आपको नजर आ रहा होगा मैंने फर्स्ट कॉलम को एक्स से किया, सेकेंड को वाई से और थर्ड को जेड से। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं बाय टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R3, यानी थर्ड रो से मैंने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई जेड डिवाइड बाय एक्स वाई जेड इंटू
डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वन वन वन, ये दोनों तो कैंसल हो जाएंगे। वाई इंटरचेंजिंग आर वन एंड आर थ्री, यानी पहली रो और तीसरी रो को मैंने क्या किया इंटरचेंज, तो आपको नजर आ रहा है प्रॉपर्टीज है अगर किसी भी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो बाय साइन किसका आ जाता है माइनस वन का, यानी माइनस का साइन आ जाता है। तो मैंने ये देखें, ये आपके पास थी वन, ये आपके पास सेकेंड रो, ये आपके पास थर्ड रो, मैंने इनको आपस में इंटरचेंज किया तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। इसी तरह अब आप नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग आर टू एंड आर थ्री, सेकेंड एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करें तो बाय एक और नेगेटिव आ जाता है, और आप देख सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड जब चेंज हुए तो ऊपर वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे पॉजिटिव, नेक्स्ट टाइम में वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के, तो डेट इज लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसका फिफ्थ पार्ट है कि आप लोगों को एक मैट्रिसेस कहते हैं उसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, बी प्लस सी ए ए बी, सी प्लस ए बी सी सी एंड ए प्लस बी, आप देख सकते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम आर वन वी गेट, क्योंकि विदाउट एक्सपेंशन तो नहीं है, इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। अगर मैं पहली रो से इसको एक्सपेंड करूं तो आप जानते हैं ये रो वन है, मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, आर टू है, ये आर थ्री है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो फर्स्ट ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, आप ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, सी प्लस ए बी सी एंड ए प्लस बी एज इट इज, माइनस फार्मूले का ये एलिमेंट आएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो तो लाजमी इग्नोर करना होगा और जिसमें वो वैल्यू आ रही है तो वो कॉलम स्टेप बाय स्टेप इग्नोर करना होगा, बी बी सी एंड ए प्लस बी एंड प्लस अब ये वैल्यू, और आप फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम इग्नोर कर दें, ये रो और ये कॉलम इग्नोर, तो बी सी प्लस ए सी सी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, टू बाई टू है तो टू बाई टू का क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, b प्लस सी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी माइनस बी सी प्लस ए इंटू बी सी माइनस सी इंटू ए प्लस सी। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं b प्लस सी एज इट इज, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसल हो रहे थे उन्हें कैंसिल कर दिया, माइनस ए इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस ए और बी सी माइनस सी ए प्लस और माइनस माइनस का सीज किया, जो कैंसिल थे वो मैंने कट कर दिया। नेक्स्ट टाइम में आप मजीद सिंप्लीफाई करें, इस वैल्यूज को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और जो कैंसिल होते थे उसे कट कर दिया। आपको नजर आ रहा होगा कि ये भी एबीसी है, ये भी एबीसी है, ये भी एबीसी है और ये भी एबीसी, इनको ऐड करें तो ये बन जाता है फोर ए बी सी, ये है आपकी राइट हैंड साइड, तो डेट इज लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड, तो हेंस ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर प्रूव हो गया फोर ए बी सी के। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसका सिक्स पार्ट है, जो आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये एक डिटर्मिनेंट दिया जिसको आपने प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर, तो ये और एक ये क्वेश्चन है पार्ट नंबर सेवन, इसको आप लोगों ने आर के इक्वल प्रूफ करना है। मैं हिंट दे दूं, आपने ये जो असाइनमेंट सॉल्व खुद करनी है तो आप देख सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट ये आप कंसिडर करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या ये इसको कंसीडर कर लेना है, इसको एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं, फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर दें तो वो आप लोगों का ए क्यू प्लस बी क्यू के इक्वल प्रूव हो जाएगा। और पार्ट नंबर जो सेवन है इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है आप लोगों ने, पर इसको एक्सपेंड करने का तरीका कार ये है कि आप जितनी जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं वो बेहतर ही होगा कि आप इसको सेकेंड रो से एक्सपेंड करें। उसमें फायदा क्या होगा कि आप देखें ये डिटरमिनेंट है, सेकेंड रो से अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग बाय R2, तो पहली वैल्यू जीरो है, इसको इग्नोर कर दे, देखें प्लस माइनस और ये अब ये प्लस का आना था वन। अब आपने क्या करना है यहां पे, ये रो और ये कॉलम तो आपका इग्नोर हो जाएगा, R cos phi, फिर इधर माइनस साइन phi, फिर इसी तरह R sin phi और cos phi, ठीक है, आगे फिर जीरो है तो उसे इग्नोर कर दें, इन्हें सॉल्व करेंगे आप लोगों का आर के इक्वल प्रूव हो जाएगा। यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी कि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, याद रखिएगा ये किसके बराबर होता है वन, वो इसके अंदर यूज होगा इस क्वेश्चन नंबर थ्री के सेवंथ पार्ट के अंदर, ये इजीली आप कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड के तरीके से करें, इसको भी, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप सेकेंड रो से ही एक्सपेंड करें, इसको फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर देंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने तो आपकी आसानी के लिए बताया था कि आप सेकंड रो से करें तो ये जीरो जीरो की वजह से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसका एट पार्ट है, शो डेट आपको एक डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी इंटू बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए,
आप क्या करें इसके प्रूव में, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी फार्मूला होता है किसी का, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड कर देना, जो चीज पहले लिखी जाएगी चेंज उसमें ही आएगा। तो आपको नजर आ रहा होगा मैंने फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके फर्स्ट कॉलम में तमाम वैल्यूज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में भी देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बनता है, बाकी चीज एज इट इज। नेक्स्ट मैंने टेकिंग कॉमन, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया है यहां पर, कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम सी वन, पहले कॉलम से मैंने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। तो जब आप कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट कॉलम में आपको नजर आ रहा होगा कि इवन वन वन बच जाता है। नेक्स्ट टाइम में आपको नजर आ रहा होगा मैंने ये पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाया कि मैंने ये आपके पास रो वन है, ये रो टू है, और ये आपके पास रो थ्री है। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरी रो में से भी पहली रो को माइनस किया, तीसरी रो में से भी पहली रो को क्या किया है, माइनस कर दिया। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इन टू डिटर्मिनेंट वन बी प्लस सी ए प्लस बी एज इट इज। अब सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को जब माइनस करेंगे जीरो ए माइनस बी सी माइनस ए, थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस करें तो आप देख सकते हैं वन में से वन जीरो, ए प्लस बी में से बी प्लस सी निकालें माइनस सी, और सी प्लस ए में से अगर ए प्लस बी निकाल दें तो ए ए से कैंसल हो जाता है और यहां पे आप लोगों के पास बचता है सी माइनस बी। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, एक्सपेंडिंग बाय सी वन, अगर आप फर्स्ट कॉलम से इसको आप एक्सपेंड कर दे तो जस्ट आप लोगों को वन से एक्सपेंड करना पड़ेगा, जीरो जीरो से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी बाहर, ये अगर आप यहां पर एक ब्रैकेट लगा ले और यहां पे वैल्यू वन आएगी, याद रखिएगा ये वन, और ये रो और ये कॉलम छोड़ दें ए माइनस बी ए सी माइनस ए माइनस सी और सी माइनस यहां पर बी आ जाता है, बाकी माइनस जीरो ये इग्नोर हो जाएगा, माइनस जीरो ये भी क्या प्लस जीरो की वजह से भी सारा इग्नोर हो, क्योंकि जीरो किसी से मल्टीप्लाई हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी माइनस ए माइनस सी इंटू सी माइनस ए, मजीद सिंप्लीफाई करें ए प्लस बी प्लस सी, अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसल हो रहे थे उसे मैंने क्या कर दिया, माइनस का ए सी और प्लस का ए सी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, माय ठीक है बेटा माय ए सी है और इसी तरह वो माइनस का ए सी, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड लास्ट में माइनस का सी ए। तो ये आप जानते हैं किसी चीज का फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का ये एक फार्मूला है, तो ये है राइट हैंड साइड के बराबर, मैंने नीचे ये फार्मूला एक्सप्लेन भी कर दिया, ये आप देख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए के। तो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, इसका नाइन्थ पार्ट है ए प्लस लैम्डा बी सी ए बी प्लस लैम्डा सी ए बी एंड सी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये मैंने ले ली, कंसीडर कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। आपको नजर आ रहा होगा कि इसके प्रूफ में भी इस चीज को देखें, क्योंकि प्रूफ में नजर आ रहा है कि ये इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, मैंने पहले कॉलम में बाकी दोनों कॉलम को क्या कर दिया, ऐड कर दिया फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड एंड थर्ड कॉलम को ऐड किया। ऐड करने से आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट कॉलम ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा बन जाते हैं, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज। अब ये क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा कॉमन फ्रॉम सी वन, अगर आप कॉमन ले लेते तो ये बाहर आ जाएगा, बाकी फर्स्ट कॉलम आप लोगों का क्या बन जाएगा, वन वन वन। फिर वही स्टेप जो इसने पिछले पार्ट में भी हमने किया था, आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री माइनस R1, यानी दूसरी में से पहली रो और तीसरी में से भी पहली रो को आपने क्या कर देना, माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, और बाकी आप नजर आ रहा है सेकंड में से फर्स्ट रो को निकालें या थर्ड में से सेकंड रो को निकालें तो ये बच जाता है वन बी सी जीरो लैम्डा जीरो 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 एंड लैम्डा। आप इस चीज को देख सकते हैं, ये ट्रेंगुलर टाइप की शेप है डिटर्मिनेंट की या मैट्रिक्स की। हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू वन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय प्रॉपर्टी नंबर एट। यूज किया मैंने इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ये है राइट हैंड साइड के बराबर। तो डेट इज लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, प्रूव हो गया, जो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर थ्री का
आप लोगों को दसवां पार्ट नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, आप लोगों ने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे 111 ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी इनटू सी माइनस लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर बाय सी टू माइनस सी वन, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रूफ कर लिया तो इसको एक्सपेंशन मेथड से भी कर सकते हैं विदाउट, मगर एक्सपेंशन से करेंगे तो इजीली विदाउट एक्सपेंशन से करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम को रेज कर दें यानी माइनस कर दें, और थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट कॉलम को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में से सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड माइनस सेकंड, वन ए ए स्क्वायर, वन में से वन जीरो बी माइनस ए एंड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन माइनस वन जीरो सी माइनस ए एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मजीद स्टेप आप देख सकते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम आर वन वी गेट वन, यानी मैंने पहली रो से एक्सपेंड कर दिया क्योंकि इसमें दो जीरो आ रहे थे, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको नजर आ रहा होगा वन इंटू डिटरमिनेंट बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लिया इसको और इसको, और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है। तो आपको नजर आ रहा होगा बी माइनस सी सी माइनस ए, ये तो जीरो हो गए खत्म, इन दो बी माइनस ए और बी प्लस ए, सी माइनस ए और ए प्लस सी, आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में से b माइनस ए और इस कॉलम में से c माइनस ए कॉमन मिला। तो टेकिंग b माइनस ए कॉमन फ्रॉम c1 एंड c माइनस ए कॉमन फ्रॉम c2, तो अगर ये हम कॉमन ले लें तो b माइनस ए और c माइनस ए तो आगे, अगर स्टेप से पहले अब यू देख सकते हैं, अगर ये हम कॉमन ले लें तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और डिटर्मिनेंट में आपके यहाँ पे 1 1, यहाँ पे b प्लस ए बचता है और यहां पर आपके पास a प्लस सी बचता है। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये स्टेप आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, क्या थे a प्लस सी और माइनस फार्मूले का माइनस b एंड माइनस c। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो गए c माइनस b। तो अगर आप हाँ देखें नेगेटिव कॉमन ले लें b माइनस ए में, इसको a माइनस बी बना लिया और c माइनस ए में ये एज इट इज रहेगा, और c माइनस बी में से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। तो नेक्स्ट टाइम में आपको नजर आ रहा होगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस, ये है आपके राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर, राइट। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो लास्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है बी प्लस सी ए ए स्क्वायर सी प्लस ए बी बी स्क्वायर ए प्लस सी 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 स्क्वायर, ये आपको नजर आ रहा है, ये वही तरीका है। आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को क्या कर लेंगे, एड, और फिर आपका फर्स्ट कॉलम सेम बन जाएगा, उसमें ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद फिर आप लोग उसको सेपरेट कर लीजिएगा, सेपरेट करने के बाद आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, इफ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट है ए वन टू ए टू टू एंड ए थ्री टू एंड ए का डिटरमिनेंट, फिर इसी तरह बी टू वन बी टू टू एंड बी टू थ्री एंड बी का डिटरमिनेंट। तो इस क्वेश्चन को इसमें अगर आप ये देख सकते हैं ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू वन टू एंड माइनस थ्री जीरो माइनस टू जीरो माइनस टू एंड वन, ये आप क्या करेंगे, आप लोगों को क्या चाहिए ए वन टू, ए वन टू बेसिकली मैं सबसे पहले आपको ए आई जे का फार्मूला बता दूं, माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम आई जे। तो आपको इसमें मालूम क्या करने को कहा है उसने, ए वन वन, तो इसका फार्मूला होता है माइनस वन की पावर वन प्लस वन एम वन वन। तो हम इसे मजीद इस तरह लिख सकते हैं माइनस वन का स्केयर एम वन वन का मतलब क्या है कि आप लोगों ने इस रकम के फाइंड कर रहे हैं वन वन यानी पहली रो। सो स्टूडेंट इसमें वन टू का जिक्र किया गया है, तो वन टू का मतलब है कि यहाँ पे वन प्लस टू आ जाएगा और इधर वन प्लस टू बन जाएगा, तो माइनस वन की पावर क्या बन गई थ्री। तो आप लोगों ने इसके बजाय वन टू यानी पहली रो दूसरे कॉलम का इसका, तो इसको और इसको इग्नोर कर दें, जीरो जीरो माइनस टू एंड वन, तो ये बन गया माइनस वन और ये बन गया जीरो माइनस जीरो, तो इसका आंसर क्या बन जाता है जीरो। इसके अलावा उन्होंने ए टू टू कहा है, तो नेक्स्ट टाइम मैं यहां पर ए मैट्रिसेस लिख लूं, ए मैट्रिसेस क्या है वन टू माइनस थ्री जीरो माइनस टू जीरो माइनस टू एंड वन, और आप लोगों ने मालूम क्या करना है ए टू टू एंड ए थ्री टू, ए टू टू माइनस वन की पावर टू प्लस टू एम टू टू,
तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस वन की पावर फोर एम टू टू में क्या आएगा, आप लोगों ने दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना है, तो ये बन जाता है वन माइनस थ्री माइनस टू एंड वन, तो ये बन गया वन, और इसको सिंप्लीफाई करें तो वन और ये नेगेटिव फार्मूले का माइनस थ्री को माइनस, ये तो सिक्स बन गया, तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस फोर। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं उसने ए थ्री टू भी कहा है, वन टू फिर थ्री टू और इसके बाद थ्री टू, इसका मतलब है माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू एम थ्री टू, आप इसको यूँ ले सकते हैं माइनस वन की पावर फाइव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम थ्री टू में आप लोगों ने तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे वन यहाँ पे माइनस थ्री यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपने तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है माइनस वन और ये जीरो, माइनस जीरो इज इक्वल टू ये क्या बन गया जीरो। इसके अलावा उसने क्या कहा है, ए का डिटर्मिनेंट भी निकाले, तो ए का डिटर्मिनेंट वन टू एंड माइनस थ्री जीरो माइनस टू जीरो माइनस टू एंड वन। बेटा यहां पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सेकंड रो से एक्सपेंड करना, एक्सपेंडिंग बाय आर टू, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव आना है पर ये वैल्यू माइनस है, तो जीरो को क्योंकि मैं सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहा हूं तो जीरो को इग्नोर कर दें, माइनस टू लिखें। अब ये कहां पे आ रहा है, इस रो में और इस कॉलम में, तो इसको छोड़ दें, वन माइनस थ्री माइनस टू एंड वन, बाकी नेक्स्ट भी जीरो, उसको भी इग्नोर कर दें। तो ये देखें माइनस टू इंटू ये वन को वन से करें तो वन माइनस फार्मूले का, माइनस थ्री को माइनस टू से करें तो ये सिक्स, तो इसे सिंप्लीफाई करें माइनस टू इंटू माइनस फाइव इज इक्वल टू प्लस टेन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉन सिंगुलर है। स्टूडेंट्स ये था ए का डिटर्मिनेंट या ए के कोफैक्टर्स के एलिमेंट कैलकुलेट। इसी तरह सेकंड पार्ट में आपको नजर आ रहा होगा बी के भी कोफैक्टर्स के एलिमेंट मालूम करने और बी का डिटर्मिनेंट, वो स्टूडेंट आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर वहां पे अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि सॉल्व ना हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को दोबारा ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।